आपका ये उत्साह साफ साफ बता रहा है कि इस बार बीजेडी जाएगी बीजेपी आएगी। उड़ीसा में पहली बार डबल इंजन सरकार, उड़ीसा रे प्रथम थर है डबल इंजन सरकार। ओडिशा को भाजपा का पहला सीएम मिलेगा। और ये भी लिख रही है सीएम कौन बनेगा, यहां का उड़ीसा का ही, उड़ीसा का बेटा या उड़ीसा की बेटी वही सीएम बनेगा, कोई बाहर वाला नहीं बनेगा। जो उड़ीसा की मिट्टी, यहां की संस्कृति, उसको अपने माथे पर लगाकर चलेगा, वही भाजपा अपना पहला सीएम बनाएगी। जो यहां की समस्या जानता है, जो यहां के समाधान जानता है, जो जनता से जुड़ा हो, भाजपा ऐसा सीएम देगी, ये मोदी की गारंटी है। और दिल्ली के लिए आपको क्या करना है, हिंदुस्तान की सरकार बनाने के लिए क्या करना है, फिर एक बार उड़ीसा और दिल्ली में डबल इंजन की सरकार ओडिशा के विकास को नई गति देगी, यहां प्रगति लाएगी। और इसलिए मेरी प्रार्थना है इस बार लोकसभा की सभी 21 सीटों पर कमल खिले, खिलेगा कमल सभी 21 सीटों पर। और विधानसभा में भाजपा को, बीजेपी को बंपर जीत मिले, ताकि उड़ीसा को नई ऊर्जा मिले, नया नेतृत्व मिले। साथियों, आप लिख लीजिए, लिख लेंगे, याद रखेंगे, जरा सबके सब बताओ,
लिख लेंगे, आप लिख लीजिए 4 जून, हाँ 4 जून, 4 जून को बीजेडी सरकार की एक्सपायरी डेट है। और मैं आज यहां क्यों आया हूं, मैं आप सबको निमंत्रण देने के लिए आया हूं। चार जून को बीजेडी सरकार की एक्सपायरी डेट है और 10 जून को भाजपा के मुख्यमंत्री के शपथ समारोह की डेट है और मैं आपको भुवनेश्वर में भाजपा के सरकार के शपथ समारोह का निमंत्रण देने के लिए यहां तक आया हूं। और मुझे पक्का विश्वास है कि जिन लोगों ने जैसे राम मंदिर का निमंत्रण ठुकरा दिया ना, आप लोग नहीं ठुकराएंगे, मुझे पूरा पता है, आप लोग जरूर मोदी के निमंत्रण को स्वीकार करेंगे। साथियों, कल उड़ीसा भाजपा ने बहुत ही शानदार संकल्प पत्र जारी किया है, मैनिफेस्टो जारी किया है और इसके लिए उड़ीसा भाजपा के सभी लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। भाजपा के संकल्प पत्र में उड़ीसा के तेज विकास की, आपके सपनों को पूरा करने की इच्छा शक्ति है, खास करके मेरी माताओं बहनों के लिए, उड़ीसा की महिलाओं के लिए ये जो सुभद्रा योजना लाए है ना, ये तो अद्भुत है। ये सुभद्रा योजना ये हमारे उड़ीसा की माताओं बहनों की जिंदगी बदल देगी, ये मोदी की गारंटी है। केंदु पत्र संग्राहकों को बोनस हो, देश के प्रमुख शहरों में ओडिया समुदाय भवन का निर्माण हो, बुजुर्गों को पेंशन हो और उड़ीसा के युवाओं को रोजगार के नए अवसर हो, भाजपा के संकल्प पत्र में एक से बढ़कर एक गारंटी दी गई है। यहां भाजपा की सरकार बनते ही इन पर तेजी से काम शुरू हो जाएगा।
सज्जन आप तस्वीर लेके आए हैं, मैं आपका आभारी हूं। आप नीचे रखिए, पीछे परेशान हो रहे लोग, आप नीचे रख दीजिए, इसको नीचे रख दीजिए। मैंने देख लिया भाई, आपको भी देख लिया, तस्वीर भी देख ली। लोग पीछे परेशान हो रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद। साथियों, उड़ीसा के लोगों में दम भी है और जज्बा भी है, लेकिन मुझे ये देखकर दुख होता है कि बीजेडी सरकार ने आपको सही अवसर नहीं दिया। मोदी जी जो योजनाएं बनाता है उसको बीजेडी सरकार ने लागू नहीं होने दिया। जो लागू हुई उनमें बीजेडी ने अपने भ्रष्टाचार का ठप्पा लगा दिया। मोदी ने मुफ्त चावल की योजना शुरू की, क्यों? ताकि उड़ीसा के किसी भी गरीब मां के बच्चे को भूखा न सोना पड़े, गरीब का चूल्हा जलता रहना चाहिए। लेकिन बीजेडी सरकार ने इसमें भी घोटाला कर दिया। साथियों, मोदी ने पूरे देश में आयुष्मान योजना शुरू की, इससे आप देश में कहीं भी रहे 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज मिलता है। लेकिन बीजेडी सरकार ने इसको भी लागू नहीं किया। साथियों, मेरे लिए तो आप सब मोदी ही है। और इसलिए आप गांव गांव में जाकर गारंटी देना कि उड़ीसा में आप बीजेडी की गड़बड़ियां नहीं चलेगी। यहां भाजपा सरकार बनेगी और उन्हें मोदी की हर योजना का पूरा पूरा लाभ मिलेगा। साथियों, आपके पड़ोस में ही छत्तीसगढ़ है, वहां 15 साल बीजेपी की सरकार रही। हाल में ही वहां के लोगों ने फिर से भाजपा को भारी बहुमत से चुन लिया और आज छत्तीसगढ़ की सरकार एक आदिवासी मुख्यमंत्री, आदिवासी बेटा उस सरकार को चला रहा है। बीजेपी छत्तीसगढ़ को संभाल रही है, वहां धान किसानों से बड़ी मात्रा में धान खरीदा जाता है, धान किसानों को रिकॉर्ड पैसा भी दिया जाता है। यहां नवरंगपुर से तो छत्तीसगढ़ 50-60 किलोमीटर की दूरी है, वहां भाजपा सरकार 3,100 रुपया, सुनिए, 3,100 रुपया प्रति क्विंटल पर धान खरीद करती है।
जबकि यहां उड़ीसा में धान की खरीद सिर्फ 2100 रुपए में होती है। इसलिए उड़ीसा भाजपा ने घोषणा की है कि यहां बीजेपी की सरकार बनने के दूसरे ही दिन 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदा जाएगा। बोलो भारत माता की, बोलो। बढ़िया काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपको भरोसा है कि नहीं है? हर किसान को फायदा होगा कि नहीं होगा? ये मोदी की गारंटी है कि नहीं है? साथियों, छत्तीसगढ़ में केंदू पत्र की भी बड़ी खरीद छत्तीसगढ़ में होती है, लेकिन ओडिशा में क्या हाल है? यहां स्थिति बहुत खराब है और इसलिए ओडिशा बीजेपी ने, ओडिशा भाजपा ने केंदू पत्र का दाम बढ़ाने और केंदू पत्र संग्राहकों को बोनस देने की घोषणा की है। आप लोग खुश हैं? खुश हैं? बोलिए जय जगन्नाथ। साथियों, यहां इतना विशाल इंद्रावती बांध है, लेकिन नवरंगपुर और कोरापुट के परिवारों को बहुत लाभ नहीं मिल पाता। किसानों को पानी भी पर्याप्त नहीं मिलता, जबकि पड़ोस में छत्तीसगढ़ में किसान साल में तीन फसलें तक लेते हैं, यानी खेती चौपट, रोजगार चौपट। यहां के नौजवानों को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। यहां कपास किसान परेशान है, यहां गन्ना किसान परेशान है, यहां मक्का उगाने वाले छोटे किसान परेशान है, और बीजेडी 25 साल में आपकी मुश्किलें कम नहीं कर पाई। मुझे बताइए, जो आपके लिए कुछ करे नहीं, उनकी आपको जरूरत है क्या? कोई जरूरत है क्या? अब एक मिनट भी ऐसे लोगों को रहने देना चाहिए क्या? तो एक बार भाजपा को मौका दीजिए, और मैं आपको कहता हूं, 5 साल में ये मोदी की गारंटी है, उड़ीसा को हम नंबर वन बना देंगे। भाजपा आपकी हर समस्या का समाधान करेगी। भाजपा के लिए आपका कल्याण ही सर्वोपरि है, इसलिए मुझे विश्वास है ओडिशा का विकास होगा। वो
बोलो जय जगन्नाथ। एथी पाई मोर विश्वास उड़ीसा रे विकास निश्चय होबे। भाइयों और बहनों, आपने मोदी के 10 साल के सेवा काल को देखा है, आपने ही प्रचंड बहुमत से मोदी को सेवा करने का अवसर दिया है। इन 10 सालों में मोदी ने क्या किया? मोदी ने आदिवासी कल्याण का बजट 5 गुना बढ़ाया। मोदी ने आदिवासी क्षेत्रों में एकलव्य आवासीय विद्यालयों की संख्या 400 पहुंचाई। मोदी ने वन धन केंद्र योजना शुरू की। मोदी ने SC ST आरक्षण को 10 साल और आगे बढ़ाया। केंद्रीय मंत्रिमंडल में 7% मंत्री SC ST OBC के बनाए। और सबसे बड़ी बात, देश को पहला आदिवासी राष्ट्रपति देने का सौभाग्य भी बीजेपी को मिला। उड़ीसा की एक बेटी आज देश की राष्ट्रपति है। ये आपके लिए ही नहीं, पूरे देश की मातृशक्ति के लिए गौरव की बात है। 140 करोड़ के देश को आज उड़ीसा नेतृत्व दे रहा है। भाइयों और बहनों, यहां बहुतों को याद नहीं होगा, 4 दशक पहले, 40 साल पहले एक प्रधानमंत्री उड़ीसा आए थे, 40 साल पहले। अब आपको याद हो गया होगा कौन आए थे। उन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं, गरीब तक सिर्फ 15 पैसा पहुंचता है, यानी 100 में से 85 पैसा ये कांग्रेस का पंजा लूट लेता था। आपने इस सेवक को अवसर दिया। मैं तो गरीब मां का बेटा हूं, तो मुझे गरीब का दर्द समझ आता है। मैंने कहा मैं रुपया 1 भेजूंगा, 1 पाई भी किसको खाने नहीं दूंगा। और जो खाएगा वो जेल जाकर के खाना खाएगा। जेल की रोटी चबाएगा। आपने देखा होगा, अभी घर जाओगे तो टीवी पे देखना, आज यहां पड़ोस में झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, नोटों के पहाड़। लोगों का चोरी किया माल पकड़ रहा है मोदी वहां। अब मुझे बताइए, मैं चोरी बंद कर दूं, इनकी कम
माई बंद कर दूं, इनकी लूट बंद कर दूं, तो मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे, देंगे कि नहीं देंगे? लेकिन गाली खाकर करके मुझे काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप मुझे बताइए। मुझे आपकी पाई पाई बचानी चाहिए कि नहीं बचानी चाहिए? आपके हक का पैसा बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? और इसलिए मोदी ने जनधन खातों, आधार और मोबाइल की ऐसी त्रिशक्ति बनाई कि गरीबों का पैसा लूटना बंद हो गया। अब घर बनाने का पैसा सीधा आपके खाते में, गैस का पैसा सीधा आपके खाते में, मनरेगा का पैसा सीधा आपके खाते में, किसान सम्मान निधि का पैसा सीधा आपके खाते में, यानी सबको लाभ, सीधा लाभ, कोई भेदभाव नहीं। और ये मोदी की गारंटी है। मोदी गारंटी। साथियों, मोदी आदिवासियों में भी जो सबसे पिछड़े हैं उनका भी ध्यान रख रहा है। पिछले वर्ष 15 नवंबर को मैंने भगवान बुरसा मुंडा के जन्मदिन पर पीएम जनमन योजना शुरू की। इस योजना पर 24,000 करोड़ रुपया खर्च किए जा रहे हैं। 24,000 करोड़ रुपया उड़ीसा में बड़ी संख्या में अति पिछड़ी आदिवासी जनजातियां रहती है। अब इन अति पिछड़ी आदिवासी जनजातियों का भी तेज विकास होगा। भाई और बहनों, मोदी का मंत्र है विकास भी विरासत भी। ओडिशा तो हजारों वर्ष की हमारी विरासत की भूमि है। मोदी ओडिशा की इस विरासत को पूरी दुनिया को बता रहा है। आपको ध्यान होगा, G20 के लिए दुनिया भर के बड़े ताकतवर नेता दिल्ली आए थे। मैंने तब वहां एक बहुत बड़ा कोणार्क चक्र के सामने सबकी फोटो खींचवाई। सबने मुझे पूछा ये क्या है, मैंने गर्व से कहा ये मेरा उड़ीसा है। और आज दुनिया के सब बड़े नेताओं के घर में ये हमारे उड़ीसा के कोणार्क चक्र की तस्वीर लटकती है। ये है मोदी का कमाल। और मोदी ने जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण किया, मोदी जैसे राम मंदिर क्षेत्र को भव्य बना रहा है, वैसे ही मोदी जगन्नाथ जी के क्षेत्र को भी भव्य बनाएगा। ये मोदी की गारंटी है। बोलो जय जगन्नाथ। साथियों, यहां 13 मई को वोटिंग है। यहां मंच पर मेरे भी साथ विधानसभा के अनेक उम्मीदवार हैं। आपको इन सबको अपना एमएलए बनाना है, क्योंकि मुझे भुवनेश्वर में भाजपा की सरकार बनानी है। और इनके साथ ही
नवरंगपुर से हमारे साथी बलभद्र माझी जी, कालाहंडी से हमारी छोटी बहन मालविका जी और कोरापुट, हाँ तो हमारे तीन साथी यहां पर मैदान में है, तो इन सबको हमें इन हमारे तीनों साथियों को आपने लोकसभा में जीत करके मेरी मदद के लिए भेजना है। आप कमल पे बटन दबाएंगे ना, वो सीधा का सीधा मोदी को मिलेगा। तो कमल पे बटन दबाएंगे ना, ज्यादा से ज्यादा मतदान करेंगे, घर घर जाएंगे, घर घर जाएंगे, पोलिंग बूथ जीतेंगे। अच्छा, मेरा एक और काम करेंगे, कमाल हो यार, चुनाव की बात करती हो तो जवाब देते हो, मेरा काम बोला तो आप चुप हो गए। मेरा एक काम करोगे, पूरी ताकत से बताओ, मेरा एक काम करोगे, ये चुनाव का नहीं है, करोगे? ये इन लोगों के लिए नहीं, मेरे लिए है, करोगे? पक्का करोगे? तो एक काम करना, यहां से जाने के बाद ज्यादा से ज्यादा परिवारों को मिलना और मिलकर के कहना कि मोदी जी आए थे और मोदी जी ने आपको जोहार कहा है, जय जगन्नाथ कहा है। इतना मेरा बात कर लोगे? पक्का करोगे? बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।